का क्या खुला था मुझे मालूम नहीं, ना मैं बातों पढ़ता हूँ। देखिए कौन कब स्टाफ में रहता है, बाद में कौन, आप जानते हो तो जो माहौल चल रहा देश के अंदर, कब कौन किस पार्टी में है, कब पार्टी छोड़ दे, कब पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ले, आप देख लो ये माहौल है देश के अंदर। तो इस माहौल के अंदर कौन क्या बोलता है उसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, सच्चे भी जाना चाहिए सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री जी ने भी आगरा में बोल दिया कि आपकी सरकार ने पेपर लीक के अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई और ये बात आपके वजीर ने भी बोली है, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी बोला। अब बता दीजिए आप, प्रधानमंत्री जी को राजस्थान से बहुत ही लगाव है उनको, इसलिए वो राजस्थान में ही डेरा डाले हुए हैं, पूरे हर विधानसभा जा रहे हैं और प्रधानमंत्री घबरा हुआ जल्दी जाते हैं। मुझे याद है जब मैं प्रभारी था वहां पर, गुजरात का प्रभारी था, इतने घबरा गए चुनाव में, हारचाल में बचे थे उस वक्त 96 में आगे रुक गए थे, इसे प्रचारी बातें करते थे लोग, हम 77 पे आ गए थे, सबका एक मारवाड़ी यहाँ घूम रहा है राजस्थान पे गुजरात में। और भाई और बहनों अगर आप उनकी बात मानोगे, राहुल गांधी की यात्रा खूब चली थी उस वक्त में, और उनकी बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो गुजराती हूँ। अब मैं ही कहना चाहता हूँ कि भाई और बहनों मैं मारवाड़ी हूँ, ये गुजराती घूम रहा है यहाँ पर, अगर गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने इतनी सेवा करी राजस्थान वासियों की, हर वर्ग की मैंने सेवा करी है, बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं के अलग स्कीम बनाई मैंने, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तो कमाल कर दिया पूरे देश में, दुनिया में कहीं योजना नहीं है जो 25 लाख का बीमा था वो, क्या नहीं हमने किया, महंगाई को देख के हमने बहुत स्कीम चलाई, महंगाई राज शिविर लगाए, आज मैं दुरुपयोग करके आप लोगों जेल भेज रहा हूँ। इतने कमीशन तो मौन धारण किया बैठा है, क्या पीएम बोले हैं, पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज करी है, इतने कमीशन ने कुछ कॉमेंट किए, एक नोटिस भी दिया गया पीएम को, आज दे दिया दोनों राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री दोनों को बराबर करने के लिए दे दिया होगा। राहुल गांधी को इसलिए इंतजार किया होगा कि इक्वल फुटी में रखो, अगर इक्वल फुटी में रखो जान भूल के पीएम जो बोले हैं वो मैं समझता हूँ कि कम से कम उनके बैन लगना चाहिए था, प्रधानमंत्री के आज चैंपियन में बैन लग जाना चाहिए था, जो भाषा बोले हैं पूरे चुनाव के अंदर 4 जून के पहले पहले चुनाव हो रहे हैं तब तक प्रधानमंत्री पे बैन लगाना चाहिए कम से कम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेरा मानना है, तब मालूम पड़ता है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रहा, बैन लगना चाहिए तब पीएम पर, क्या भाषा में बोल सकता है इस प्रकार से, पता नहीं कोई एफआईआर दर्ज करे या जुडिशियल जाएगा पता नहीं क्या होगा, भी मैं कह सकता हूँ आपको जो बातें बोली गई है वो पता नहीं कहां तक जाएगी, सच्चाई बताएगा। बातें हो रही थी लेकिन अब तो आपका ऑडियो तक भी दिखाया गया है कि आप ऑडियो पब्लिक ऑडियो कुछ बना सकता है, ऑडियो में क्या ऑडियो दम है क्या, मतलब ऑडियो दम है हमारे सेठाव साहब का जो सरकार गिरा देते हमारी, अमिता जी और धर्मेंद्र प्रधान और ये गणेश सिंह शेखावत, वो ऑडियो लेके फिरा ना सीबीआई हमारे एसीबी वाले, अभी तक वही संबंध दे रहे वो किसमें क्या दम होता है, चुनाव से पहले जीतने के लिए हथकंडे किए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हथकंडों की, पहले जिस तरीके से किया जाता कि पूर्व मुख्यमंत्री के सीएम हाउस के अंदर ये साजिश रची जा रही है, इस तरीके से भाई मैंने कहा हमको कौन क्या बोलता है, कौन कब ज्वाइन कर रहा है बीजेपी पता नहीं पड़ता है, जैसे करप्शन की शिकायत हमारे ऊपर होती है नेताओं पर, जैसे जाओ बीजेपी में आप वॉशिंग मशीन लगी हुई है आप बिल्कुल पार्ट टाइम निकल जाते हो, ये देश में माहौल बना हुआ है। उनका ये कहना है कि 10-12 घंटे की मेरी ड्रिलिंग होती है, वैसे कुछ नहीं होती, 10-12 घंटे मैं परेशान होता हूँ, मेरा परिवार परेशान होता है, लेकिन मेरे को कोई आशा देने वाला नहीं था, कोई था आप उड़ो मान लेते, लेकिन आपने भी उनको बढ़ा लगा दिया। अभी ये मैं कहना आपको, मैं इस चुनाव में इस प्रकार की बातों के अंदर ये चुनाव जीतने के लिए हारने के लिए अपने जाते हैं उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना मैं इन बातों पढ़ता हूँ, मैं सच्चे से चलता हूँ, सच्चाई क्या है वो अलग बात है। बीजेपी का पीएम ने कहा है कि राजस्थान की पूर्व सरकार जो है वो शामिल थी पेपर लीक वाले मामले में, उन्होंने कहा है कि राजस्थान की जो पहले की कांग्रेस की सरकार थी वो लोग ही शामिल थे। पीएम के पास प्रूफ है क्या, बताए प्रूफ कम से कम, प्रधानमंत्री को बोले लाल लाल बोलो
या आपके जो बता रहे आप पेपर लीक पे बोलो, कम से कम उनके पास तो यार सच्चे आने चाहिए ना। बिना प्रूफ के प्राइम मिनिस्टर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। यही मैं देख रहा हूँ कि उनके वक्तव्य में मेरे इसमें कोई दम धक्का नहीं है। तो पेपर लीक तो गुजरात में हो रहे हैं भयंकर, पेपर लीक यूपी में हो रहे हैं, पेपर लीक किस प्रदेश में नहीं हुए, बिहार में हो गए होंगे, अभी पंजाब में हुए हैं और यूपी में और गुजरात में रिकॉर्ड टूटे पेपर लीक के। उसके बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना बताए, वो नाम तो आप किसी का ले लीजिए। और इसमें अपना पराया कोई नहीं होता है। अगर मान लो पेपर लीक में किसी का हाथ है, ना अपना ना पराया, एक सा जगह होना चाहिए मेरा मानना है। हमने खुद ने उनको सस्पेंड भी किया, अपॉइंटमेंट हम ही करते हैं, जो अपॉइंटमेंट करते हैं वही माना जाता है इन्हीं के आदमी है, होता भी है क्या। बीजेपी की सरकार कांग्रेस सरकार हो जिसपे कॉन्फिडेंस होता है वही तो अपॉइंटमेंट होते उनके, उसमें कोई आपके गलत काम करे नहीं भी करे मानो गलत काम पे बात और गलत फैसला बेचारा तो कार्रवाई तो करनी पड़ती सरकार को, हमने कार्रवाई करी है। अब वो तो जान का विषय है कि गलती किसने करी या नहीं करी। अब वो तो तोड़ मोड़ के करो ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अगर आप सोच सकते हो कि कितने घबरा गए हैं, कितने चिंतित हैं, कितने बौखलाए हुए हैं, कुछ भी बोला दो उनसे पहले। अभी तो चुनाव की शुरुआत दूसरा फेज है, सात फेज होंगे मेरे ख्याल से, सात फेज तक प्रधानमंत्री जी की ऐसी स्थिति बन गई है जो चाहो बुलवा दीजिए उनसे, ऐसा पीएम नहीं मिलेगा आपको हिंदुस्तान के अंदर।